चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। ठीक है, परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी लाइव क्लास आ चुके हैं क्या? चलिए लाइव क्लास आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग नहीं कहना है ना, गुड आफ्टरनून। दोपहर 2 बजे की क्लासेस चल रही है, ठीक है। चलिए आज की क्लास करने वाले हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से, परसेंट के देखने वाले हैं, जो कि SSC, व्यापम, रेलवे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है, PSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है, या फिर SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में। जैसे कि हाल ही में CGPSC प्यून भर्ती का एग्जाम हुआ है, उसमें परसेंटेज के 102 नंबर देखे हैं, वैसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिशत से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से। जिन लोगों को जुड़ चुके हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा, या नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत होता क्या है, कैसे प्रतिशत निकाला जाता है ये देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक क्लियर आपको समझाऊंगा, ना कि शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आपको एक मोटिवेशन देता हूँ, देखिए सीढ़ी से चढ़कर जाना है ऊपर की तरफ, ना कि लिफ्ट से, यानी कि डायरेक्ट अगर लिफ्ट से चढ़ जाओगे तो कैसे सीखोगे, वैसे धीरे धीरे प्रोसेसिंग करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको प्रोसेस सिखाऊंगा कैसे कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रतिशत होता क्या है, देखिए प्रतिशत का मतलब होता है सौ, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है सौ। देखिए अब 10% है तो 10% को कैसे बदलेंगे, अब 10% को कैसे लिख सकते हैं, तो 10% को कैसे लिखेंगे, 10% का 10/100, ठीक है। अगर वृद्धि बोला जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 110/100 लिखेंगे, 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अगर कमी पूछा जाता है, 10% की अगर कमी हो जाती है, ठीक है, अगर 10% में इसकी कमी हो जाती है इसको क्या लिख सकते हैं, 90/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले भिन्न को परसेंट में बदलना सीखेंगे, उसके बाद परसेंट को भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके पहले आप सभी को बता देना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर है आज, ठीक है, आज गांधी जी का जयंती है, ठीक है, बापू जी का जयंती है, ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी का जयंती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, परसेंट को भिन्न में बदलना है, ठीक है, परसेंट को भिन्न में बदलिए, परसेंट को भिन्न में बदलिए। तो चलिए सबसे पहले परसेंटेज को भिन्न में बदलना सिखाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा ऐसे ही कॉन्सेप्ट कि बिल्कुल आप लोग पूरा क्लियर समझ लोगे, ठीक है। अगर एक बार में वीडियो में नहीं होता तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, 2 से 3 बार देखिए, 10 बार देखिए। चलिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक है, ये आपका 35% है, 40% है, 45% है, इसको भिन्न में बदलना है, उसके बाद भिन्न को फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। सबसे पहले परसेंट वाला देख लेते हैं, 35% को भिन्न में बदलना है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, 35/100, इसको और शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, तो इसको 5 से काट देते हैं, 5 × 7 = 35, 20 × 5 = 100, ठीक है, यानी कि 7/20, ये आपका फ्रैक्शन में आ गया निकल के। चलिए अब 40% को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/100, यानी कि 20 इसको काट देंगे, 20 × 2 = 40 और 20 × 5 = 100, यानी कि 2/5, ये आपका भिन्न में आ चुका है, यानी कि फ्रैक्शन, ठीक है। 45% का देखेंगे तो 45/100 हो जाएगा, इसको 5 से काट देंगे, 5 × 45 और 20 × 5 = 100, यानी कि 9/20 इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन होगा, ठीक है। परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, इस प्रकार ऐसे बदला जाता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसी को भिन्न को फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां तक सॉल्व हो गया ना, अब क्या है, भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। चलिए भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कौन कौन सा है, 2/5, 3/5, 6/5, ठीक है। अब चलिए इसको भिन्न को फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो चलिए 2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या पहले बताया था आप लोगों को, प्रतिशत का मतलब होता है सौ, ठीक है, प्रतिशत का मतलब कितना होता है सौ, इसको ध्यान से समझेगा, ठीक है। जो भिन्न है, ये जो संख्या है
उसको किस में बदलेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। तो परसेंटेज में बदलने से क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे, ठीक है, किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5 × 5 और 5 × 20 = 100, 20 × 2 = 40, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40%, ठीक है, कितना आ जाएगा, 40%, जो आपका भिन्न है उसको प्रतिशत में चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 3/5, अब 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में जाएगा, 20 से इसको 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 60% आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 6/5 है, तो 6/5 को 100 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 20 से कट जाएगा, 20 इसको गुणा करें कितना आ जाएगा, 120% इसका आ जाएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। सभी लोगों का आंसर आ चुका क्या, चलिए कौन कौन का आंसर नहीं आया, किसका किसका आंसर नहीं आया है, चलिए अब देखेंगे आरआरबी और सीजी व्यापम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, आरआरबी और सीजी व्यापम को क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है 20 का 60% कितना होगा, 20 का 60% कितना होगा, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 2018 का प्रश्न है, ठीक है। ये अगर इस तरह के सवाल आपने हल कर लिए हैं तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे व्यापम हो, पीएससी हो या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो उसको आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा 20 का 60% कितना होता है, इसको नोट कर लिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ आप नोट कर लिया ना इसको, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 20 का 60% कितना होगा, 20 का 60% कितना होगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, 20 का 60% कितना होगा, आप सभी को मैं परसेंटेज निकालना सिखा दिया हूँ पार्ट वन वीडियो में, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है सब, ठीक है, तो 20 का 60% और का मतलब होता है यहाँ पर गुना, ठीक है, का मतलब होता है गुना, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में कभी भी प्रश्न पूछ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सवाल पूछेगा, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ लिए तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। अब देखिए 20 का 60% कितना होता है, 20 का 60% कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 20 का मतलब होता है गुना, 60% का मतलब होता है 100, हमेशा 100 को नीचे में ही लिखा जाता है, ये हो जाए आपका अंश हो जाएगा और ये आपका हर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 20 + 60, 20 × 5 = 100, इसको फिर कैंसिल कर देते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 20, 4 × 3 = 12, यानी कि 20 और 60 का कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 12% हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 4/5 कितना होगा, चलिए क्वेश्चन एक और है, 4/5 से, ठीक है, 4/5 से कितना प्रतिशत होगा, 4/5 से कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत होगा, 4/5 से कितना प्रतिशत होगा, तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, 5 से बोला गया है, यानी कि 4/5 × 100, क्या पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, प्रतिशत पूछा गया है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 20 से कटेगा, 20 × 80, क्या आ जाएगा, इतना 80% आ जाएगा, यहां तक क्लियर हो गया क्या। देखिए 4/5 से कितना प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है, तो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, और आरआरबी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया है ये प्रश्न, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 3/5 से कितना प्रतिशत होगा, 3/5 से कितना प्रतिशत होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करें, क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, 3/5 का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि कमी नहीं पूछा गया यहाँ पर, सिर्फ परसेंटेज पूछा गया, कमी वाला भी बताऊंगा, 3/5 से कितना होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला हमेशा नीचे में ही लिखना है, का मतलब होता है ये वाला पहले, तो
3/5 गुना प्रतिशत का मतलब सब, ठीक है। तो चलिए इसको काट देते हैं, इसे 20 बार में जाएगा, 20 से कम 20 और 20 तिया 60, कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका 60% होगा, 3/5 से 60% होगा, ठीक है। किन किन को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहां आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता या समझ में नहीं आता तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि व्यापम और पीएससी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। 2 से 3 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। देखिए अब यहाँ से कितना प्रतिशत है देखे थे, अब कमी वाले प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कमी वाले प्रश्न देखेंगे। मैं आपको प्रतिशत से भिन्न निकालना या प्रतिशत से भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना आपको सिखा दिया हूँ, ठीक है। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। अब चलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। 20 का 60% कितना होता है, 20 का 60% कितना होगा, 20 का 60% कितना होगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। 20 का 60% कितना हो, या नहीं कि मैं अभी कमी वाला नहीं बताया ना, इसको दिखिए, इसके बाद मैं कमी वाला यही पर नीचे में बताऊंगा, ठीक है। 20 का 60% यानी कि 60/100 कर देंगे तो इसको काट देंगे तो 20 तिया 60 20 पंचे 100, ठीक है। 20 पंचे 100, इसको फिर से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 4 तिया 12, कितना होगा, 12% होगा। लेकिन अब क्वेश्चन देखेंगे कमी वाले प्रश्न में, जैसे कि देखिए 20 का 60% कितना में कमी होगा, ये वाला सवाल देखने वाले में। इसी सवाल को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा 20 का 60% कितना होगा पूछा गया है। अब कैसे पूछेगा इसको, क्वेश्चन को शांत रखना, 20 का 60% कितनी कमी होगी, 60% की कमी होगी, 60% की कमी होगी, यह प्रश्न पूछा है। देखिए अब क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, यह सवाल इससे अलग बनेगा, ठीक है। 20 का 60% कितना होगा पूछा गया है, अब यहाँ पर 20 का 60% कितनी कमी होगी इसको नोट कीजिएगा, कमी वाला पूछा गया था, कितनी कमी होगी। तो देखिए 20 का 60 से कितना होगा कमी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 20 में 60 से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 60 में अगर 20 को घटा देते हैं तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 ये वाला हमेशा नीचे में ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40/60, कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो 100 से हमें गुना करना है प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए सब कैंसिल कर देते हैं, ये 0 का 0 कट गया, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। तो 100 दूनी 200 यानी कि आपका हो जाएगा 200/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे शायद छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यही आपको रहने देंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए छोटा वाला देखते हैं, चलिए छोटा वाला देखेंगे। देखिए 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, 4/5 से बोला गया, ठीक है। 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, तो आपका 1% कम है, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, अगर 4 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 आया, जो 1 को हम ऊपर में रखेंगे और 5 वाला जो है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। 100% से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 20 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना परसेंट कम है, तो आपका आएगा यहाँ पर 20% की कमी होगी। अगर यह वाला समझ में नहीं आया होगा, एक और क्वेश्चन बता देता हूं। 5/6 से कितना प्रतिशत कम होगा, 5/6 से कितना प्रतिशत कम होगा। तो देखिए 5 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 1 बजेगा, 1 को यहीं लिख देते हैं, 6 जो है उसको नीचे में लिख देंगे।
और 100 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर 100 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100 ही आएगा। 6 का 6 नीचे में लिख देते हैं, इसको और छोटा रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से काट देते हैं तो 2 3 6 और 2 50 हम 100, यानी कि आपका 50/3 आएगा। इसको और छोटा रूप में लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 16/3 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 16 से ही 2/3 इसका आ जाएगा, ठीक है। आंसर यहां तक क्लियर हो गया, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये वाला एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वाई का 80% एक्स है। क्वेश्चन है आपका वाई का 80%, वाई का 80% कितना है, वाई का 80% कितना है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक, वाई का 80% एक्स है, वाई का 80% एक्स है, तो y का 80% एक मिनट ना 80% x है। इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो x का कितना प्रतिशत होगा, तो x का कितना प्रतिशत है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए y का 80% x है, ठीक है, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो सब कैसे सॉल्व हो, y का मतलब अभी को मैं बता दिया था, गुणा करना होता है, ठीक है। तो y गुणा 80% का मतलब 80/100, 80 का x है, यानी कि ये आपका हो जाएगा x, ठीक है, ये आपका x हो जाएगा। तो x का कितना प्रतिशत होगा, x का कितना प्रतिशत होगा, ये आपका सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेगा, चलिए इसको कैंसिल कर देते, छोटा रूप में लिख लेते हैं, तो 20/80 और 20/5 100, यानी कि y गुना 4/5 बराबर x है, तो ठीक है, x का प्रतिशत बराबर 100, ठीक है। इसको हम जैसे कि इसको नीचे ला लेते हैं, ठीक है, अगर इसको नीचे लाएंगे कितना आ जाएगा आपका, y बटा x हो जाएगा, y बटा x बराबर ही ऊपर चला जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत में पूछा गया है, तो प्रतिशत कितना पूछा गया, परसेंटेज में, ठीक है। तो इसको परसेंटेज को डायरेक्ट यही इसको मान रख लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 100, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, 25 से 5 का गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 125 आपका आ जाएगा, कितना, तो इसके यहाँ पर कितना बोले, x का कितना प्रतिशत होगा, तो 125% होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया क्या, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। वीडियो में आपको एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसआई प्री की एग्जाम होने वाला है 6 नवंबर को, तो ये वीडियो देख के जरूर जाना। ऐसे ही आप बेसिक समझना चाहते हो, बेसिक यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या, ऐसे एक और सवाल देखने वाले हैं, ठीक है, एक ऐसी और सवाल देखेंगे जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कितने बच्चे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं बताइएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर, 20 से 25, 35 है क्या, 35 से 40 है ना। देखिए 35 से 40 लोग यहाँ पर लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, ठीक है, 35 से 40 लोग लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया क्या, एक ऐसा प्रश्न है जो व्यापम में आया हुआ है, ठीक है। किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का 20%
किसी संख्या का 20% 120 है, 20% 120 है, तब उस संख्या का 120 प्रतिशत होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, 120% कितना होगा ना, कितना होगा, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये आरआरबी में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 20% 120 है, मान लो कोई संख्या x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, है ना, ऐसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो किसी संख्या का, तो किसी संख्या मान लेते हैं इसको x, ठीक है। तो किसी संख्या का 20% 20/100 बराबर कितना है, 120 है, तब उस संख्या का मतलब उस संख्या, कौन सा संख्या, ये x वाली संख्या का, तो x का 120% कितना होगा, ये एग्जाम में आपका प्रश्न है। तो ये सवाल आपका है, ऐसे ही पूछा गया है, ऐसे ट्रिक से आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा, ये वाला मान हमको निकालना है और 120% से हमको गुणा करना है, ठीक है। यही वाला मान हमको निकालना, यही वाला सवाल पूछा गया है इस प्रश्न में। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको छोटा रूप में ले लेते हैं, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, यानी कि x गुना 1/5 बराबर 120, ठीक है। इसको रहने देते हैं, डायरेक्ट 100 मान रख देंगे यहाँ पर, तो ये वाला मान रखना है, तो डायरेक्ट ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। आप सभी को पता है ना तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, अगर इसमें कुछ नहीं एक लिख देते हैं तो इधर से तिर्यक गुणा हो जाएगा ना, तो 12 × 5 = 60 यानी कि 600, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 600 हो जाएगा। और यही पूछा गया है कि उस संख्या का, यानी कि यही संख्या का मान 120 कितना होगा, ठीक है। जो यही संख्या है उसका मान कितना होगा, यही एग्जाम में पूछा गया है, यही प्रश्न है आपका, ठीक है। तो देखिए, एक्स का मान कितना आ गया, 600 आ गया, तो उसमें मान रख देते हैं, तो यहाँ पर 600 गुना 120/100, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसल हो गया, तो 12×6=72 यानी कि आपका हो जाएगा 720% हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 720% हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या यानी कि मान लो हम x लिए हैं, तो उसका 20% का 120 होता है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, यानी कि इसी संख्या का, यानी कि x संख्या का 120% कितना होगा। तो यही हमने मान निकाला, यहां तक क्लियर हो गया होगा, यहां तक किसी को डाउट। देखिए 35 से 40 लोग जुड़ चुके हैं लाइव क्लास में, ठीक है। तो इसको यहां तक को समझ में आया होगा, ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है। अगर एक बार में आपको वीडियो याद नहीं होता, समझ में नहीं आया, तो वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, कौन बोल रहा है, 2 से 3 बार देख लीजिए ना, 10 बार देखिए, कैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, एक छोटा वाला सवाल देखेंगे जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है, छोटा छोटा एक एक नंबर का आता है, एक एक नंबर का छोटा रूप में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप एग्जाम, आपका एग्जाम होता है, ठीक है, आपका एग्जाम होता है 500 अंक का, कितना होता है, 500 अंक का एग्जाम होता है। अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो आपको 150 नंबर मिलता है, कितना नंबर मिलता है, 150 नंबर मिलता है, 500 अंक का होता है आपका, तो आपको 150 नंबर का मिलता है, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर इसका निकाल गया, परसेंट कैसे निकालें, ठीक है। अगर आपका एग्जाम 500 का होता है तो आप 150 नंबर पाए हैं, तो इसका कितना परसेंट होगा, देखिए परसेंट निकालते हैं, कैसे परसेंट निकाल देते हैं, तो 150 का कितना परसेंट होगा, तो डायरेक्ट आप 5 इसको भाग कर देते हैं, 5 × 5 = 15 यानी 30, तो डायरेक्ट आप 30 कैसे लाते हो, ये आप लाते हो, लेकिन कैसे लाते हो, तो ध्यान से समझिएगा कैसा आता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है। अगर प्रतिशत पूछ दिया जाए तो कितना प्रतिशत होगा, तो 1/100 लिखते हैं, अगर किसी संख्या नहीं दिया हो तब, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, 500 है इसका अंक है, 150 नंबर पाया हुआ है एग्जाम में, इसका परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यह तो आप तरीका शॉर्टकट निकाल सकते हैं 5 से, लेकिन वो आया कहां से है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये आता कैसे है, ठीक है, तो ये आता कैसा है, इसको ध्यान से समझिएगा,
देखिए कैसे आता है, तो ये 500 है ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कैसे आता है। तो ये हमने जो 150 नंबर पाए हैं उसको लिख लेते हैं, जो अंक दिया रहता है 500 अंक उसको हम नीचे में लिखेंगे ठीक है, 500 अंक जो दिया है उसको नीचे में लिखेंगे ठीक है। तो देखिए ये 150 हो गया आपका, ये नीचे वाला 500 हो गया, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे ठीक है, ये दो जीरो कैंसिल होगा, ये दो जीरो कैंसिल होगा, बचा कितना 5, यही हमने निकाला था ना। जब ये प्रतिशत वाला रहता है तो ये दो जीरो नीचे का दो जीरो कैंसिल हो जाता है, तो इसका आ जाएगा 150/5 यानी कि आपका आ जाएगा 30% ठीक है, 30% आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? और यहां तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो देखिए एक बार और मैं बता देता हूं, इसके बाद क्वेश्चन देखने वाले हैं पार्ट टू वीडियो में, परसेंटेज में कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न देखेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे, आयतन से पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं ठीक है। देखिए इसको समझिएगा, जैसे कि एग्जाम में आपका 600 नंबर का होता है ठीक है, कितने नंबर एग्जाम में आपका 600 नंबर का होता है, आप उसमें कितने मार्क्स पाए हैं, तो देखिए आप अगर 300 मार्क्स पाए ठीक है, 600 में आप 300 मार्क्स पाए हैं और यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया, प्रतिशत ज्ञात करना है ठीक है, तो प्रतिशत कैसे निकालना है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 300 दिया गया है मार्क्स उसको यहाँ पर लिखिएगा, और जो 600 नंबर है आपका टोटल उसको नीचे में लिखना है और परसेंट से गुणा करना है ठीक है, ये दो जीरो कैंसिल हो गया है, तो 6 से 6 कम 6, 6 5 30 यानी कि आपका हो जाएगा 50%, यानी कि आप इसमें 50% पाएंगे ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।